कल बरोज इतवार, मालेगांव शहर में कल से लेकर अभी तक आज पीर का दिन है और सुबह का वक्त है, 5 हादसाती मौत हुई है। इन 5 हादसाती मौत की डिटेल ये है, मालेगांव से करीब एक देहात है, इस देहात में एक शेतकरी, एक बंदा जो कि अपनी बैलगाड़ी के बैल को वहाँ से खोलकर वो शेड में बांधने के लिए लेकर जा रहा था, तो उसके ऊपर भी बिजली गिर गई और बैल के ऊपर भी बिजली गिर गई, बैल भी मर गया और वो भी आदमी मर गया, जगह पर मर गया। दूसरा मामला यहीं पे बाजू में मालेगांव से 10-15 किलोमीटर दूर एक मकान बारिश की वजह से धसा, आदमी अंदर था, उसके ऊपर पूरा मकान की छत गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये 2 मामला। तीसरा मामला ऐसा हुआ कि पावरवाड़ी हद्दी के अंदर एक लड़का जो कि अपनी बैटरी वाली 2-व्हीलर के अंदर चार्जिंग करने के लिए वो गया था और चार्जर शायद शॉर्ट सर्किट वगैरह में लगवा रहा था, बारिश की वजह से शायद उसके अंदर करंट वगैरह कुछ उतरा और वो बच्चे का भी इंतकाल हो गया। सुबह उसकी डेड बॉडी लेने के वक्त, मतलब लेने के लिए फज्र के वक्त में हमारे शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब खुद यहाँ पर पीएम रूम पे आके उसकी डेड बॉडी निकाल कर यहाँ से उन्होंने लेकर गए। चौथा मामला ये हुआ कि 40 गांव रोड के ऊपर 2-व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ और 2-व्हीलर के एक्सीडेंट के अंदर वो बंदा भी जगह पे, उसकी भी डेट हो गई। ये चौथा मामला। पांचवा मामला ये हुआ कि बिक्कू चौक के अंदर बिलाल अहमद शमसुद्दोहा जो अपने मकान के ऊपर रहते थे और वो शायद नहाने के लिए बाथरूम में जा रहे थे और वो अकेले रहते थे, ये उनके लड़के हैं, शायद किसी वजह से ये अलग रहते हैं, तो वालिद साहब ऊपर रहते थे अलग, जुमा के रोज वो शायद नहाने गए थे और नहाने के वक्त में शायद उनका पैर फिसला या क्या मामला हुआ, अल्लाह बेहतर जाने, उनका भी इंतकाल हो गया गिरने के, सर पे लगने की वजह से। तो जुमा से उनकी लाश उन्हीं के घर में पड़ी थी, 3 दिन लाश पड़ने के बाद कल रात पे किसी ने देखा और देखने के बाद हमारे नसीम कुतसी साहब, खालिद सरदी साहब, इनको इत्तला की गई, इन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसा मामला है, फिर हम लोग रात में आके यहाँ पे डेड बॉडी वगैरह रख के अभी सुबह फज्र के बाद इनकी भी डेड बॉडी हम लोग यहाँ से निकाल के दे रहे हैं। मामला शहर मालेगांव में देखने में आता है काफ़ी मामला, तभी जैसे सोएगांव में एक BSNL के टावर के ऊपर बिजली गिर जाने की वजह से टावर में अंगार लग गई, शायद उसका वीडियो मालेगांव शहर में वायरल हो रहा है। मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ हमारे मालेगांव शहर के नौजवानों को कि बारिश के वक्त में जो इंटरनेट के ऊपर बैठे रहते हैं और नेट चलाते हैं, कभी झाड़ के नीचे आकर नेट चलाते हैं या कहीं बैठ कर ऐसे नेट वगैरह, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक और नेट चलाने का काम बारिश के अय्याम में करते हैं, तो बहुत सारे माहिरों का कहना है कि बारिश के अय्याम में बिजली नेट बिजली खींचता है, तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार नेट का, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इसके वजह से आपकी जान पे बन आ सकती है। तो ये एक मामला हो गया। दूसरा मामला करंट का मामला, हम लोगों ने देखा कि इस महीने के अंदर ये करंट का जो मामला हुआ है बच्चे के साथ, ये शायद 6ठा या 7वां केस है, किसी को पावर लूम के ऊपर करंट लग गया, एक बंदा बिजली कंपनी में काम करता था वो चला गया, अभी ये लड़का एक गाड़ी को चार्जिंग पे लगा रहा था उसका इंतकाल हो गया, तो ये 6ठा या 7वां केस है मालेगांव के अंदर करंट को लेकर एक महीने में। तो मेरा बोलना ये है कि पावर लूम के अंदर जो बंदे काम करते हैं और अंदर पानी मारने के बाद वो जो ज़मीन गीली हो जाती है तो बिगर चप्पल का वो काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो लूम में अर्थिंग वगैरह बोलो या करंट बोलो उतरा रहता है, तो उसकी वजह से लोगों का इंतकाल होता है। दूसरी बात कि पानी गिरने के बाद ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल अगर करना है आप लोगों को तो अपने पैर में चप्पल वगैरह का इस्तेमाल करें और ज़्यादा मतलब सावधानी बरतें कि यार ये मतलब बिजली का मामला है, करंट का मामला है, हो सकता है इससे जान जा सकती है, तो सावधानी बरतें, सावधानी बरतोगे तो सुरक्षित रहोगे, हमारा यही आप लोगों को मैसेज रहता है बार बार। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेटलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।